मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे भरल जायसवाल चैनल में। चलिए न डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोविड 19 महामारी समय में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। झारसुड़ा के लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं। एसपी झारसुड़ा ने सूचित करते हुए झारसुड़ा के लोगों को कहा कि विश्व में 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, तो आप मास्क पहनिए और कोरोना को अपने घर लेके ना जाएं। झारसुड़ा पुलिस द्वारा बीते 7 दिनों में कलेक्शन की हुई फाइन की रिपोर्ट आ चुकी है। मास्क ना पहनने वालों से कलेक्शन की गई रकम 3,43,300 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों से 74,050 रुपये और MB एक्ट वायलेशन के तहत 11,000 रुपये कलेक्ट की गई है। और इसके अलावा 22 लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया गया है। झारसुड़ा मंगल बाजार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों को बिना सूचित किए हॉस्पिटल को बंद किया गया, जिससे लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारसुड़ा कोविड हॉस्पिटल में 75 साल की एक वृद्धा की हुई मौत। झारसुड़ा सिटीजन फोरम द्वारा कोविड 19 अवेयरनेस के लिए एक रोड शो किया गया, जिसमें कोविड प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया और मास्क भी बांटे गए। झारसुड़ा के 18 साल के लड़के ने किया प्लाज्मा डोनेट। श्री बीनोबंधु सुंदी बने झारसुड़ा जिले के नए RTO। JCA संस्कृति द्वारा झारसुड़ा जिले में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्रिजाजनगर के एक ठेकेदार को गैरकानूनी मुरुम लेने के जुर्म में 5,00,000 रुपये जुर्माना देने का निर्देश मिला है। कोविड 19 के लिए झारसुड़ा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ANM की 36 पोस्ट निकलने के बाद यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी ना देते हुए सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर जिले के लोगों को नौकरी दी गई, जिस वजह से झारसुड़ा के स्थानीय लोग CDMO ऑफिस गए थे। और उन सबका कहना है कि जिले में बेरोजगारी की समस्या होने के बाद दूसरे जिले के लोगों को नौकरी देना सही है क्या? झारसुड़ा में बीते 24 घंटे में 69 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले, टोटल मरीजों की संख्या पहुंची 2,276 तक, जिनमें से बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 130 कोरोना पॉजिटिव के मरीज ठीक भी हुए हैं। टोटल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 1,593 तक, लेकिन अभी भी 682 केस एक्टिव हैं। और कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन को जारी किया गया, उनमें से लैकरा के साहसपुर, रेंगलबेड़ा 2, रामचीपीढ़ी, किरमिरा के भालूपत्रा, ठाकुरपड़ा, उसके बाद झारमुंडा ग्राम पंचायत के चमारीडीह, बुरोमाल, झारसुड़ा, रेलवे कॉलोनी G28 ब्लॉक झारसुड़ा, बुरोमाल, हनुमान मंदिर, बैक साइड ऑफ DEO ऑफिस झारसुड़ा। और इसके साथ ही साथ झारसुड़ा के कुछ जगहों से कंटेनमेंट जोन को हटाया भी गया, उनमें से बिजूनगर, BTM 1, BTM 2, वृंदावन कॉलोनी, गौशाला फाटक, जेल बैक साइड, बड़े मुंडा, OMP भुड़ियापड़ा, ब्लड बैंक मुंगापड़ा, पतंजलि स्टोर बहरामाल। दिन प्रतिदिन ओडिशा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 4,000 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले, अब तक कुल कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 1,43,000 के पार, जिनमें से बीते 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। टोटल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 1,12,000 के पार और अभी भी 30,000 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं। और बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि 600 से ज़्यादा लोग अभी तक कोरोना से मारे गए हैं। एंड को पावर्ड बाय मां सरला इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भरल झारसुड़ा के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को।